हाँ जी सरदार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आपका शुभ नाम? बलविंदर सिंह जी। वाह बलविंदर सिंह जी, आज आप हमें कौन सी मशीन के बारे में बता रहे हो? हम 30-18 ट्रिपल फैन सेल्फी मशीन, जो मल्टी क्रॉप है हमारा, अच्छा उसके लिए आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक अच्छा जी, है जी। तो ये इस मशीन का नाम बम्पर डिलक्स है, बम्पर डीलक्स, और ये 30-18 का इसका ड्रम हाँ साइज जी, है, 30-18 और ड्रम साइज है और ट्रिपल फैन है, सेल्फ तीन फीड है, तीन फैन है और सेल्फ सेल्फ फीड फीड है। है। अच्छा जी, तो ये 10 HP का लिखने का मतलब क्या होता है इसका? 10 HP मोटर पे चलेगा, 3 फेज पे, 3 फेज की मोटर चाहिए, दस एच पी 10 HP की। दस एच पी का इंजन चाहिए, तो अच्छा, अगर डीजल इंजन से अगर कोई चलाना चाहे तो 10 HP दस के एच पी डीजल में इंजन से भी ये मशीन चल चलेगी। जाएगी। तो ये मल्टी क्रॉप है सर, मल्टी क्रॉप है, मल्टी क्रॉप इसमें थ्रेसर है। सोयाबीन, चना, ज्वार, बाजरा, उड़द, गेहूं, मूंग, सरसों गेहूं, सरसों सब निकल सब जाता है निकलता है इसमें। इसमें, और ये एक मीडियम किसान जो होते हैं उनके हाँ, लिए उनके सबसे लिए अच्छी मशीन अपने मानी जाती बैल है। मंडी पे फिटिंग किया और अपने ले गए। हाँ अच्छा, बैल मंडी पे इसकी फिटिंग हो जी, जाती है, बैलगाड़ी पे। हाँ बैलगाड़ी पे। जी, अच्छा सर, तो इसमें जो ये प्लेटफॉर्म लगा होता है, इस पे खड़े होके अपन हाँ जी, अच्छा, फिटिंग करने के लिए, फीडिंग करने हाँ के लिए इस दो पे खड़े आदमी खड़े होते होके हैं या एक होता है? दो हो जाओ, एक हो जाओ, अच्छा, और नीचे जब अगर उतारते जो मतलब ज़्यादा जाएंगे। उनके पास में मैन पावर आदमी हाँ, ज़्यादा होते हैं तो मैन, पकड़ाने वाले होते हैं तो दो हाँ आदमी यहाँ पे होते दो हैं। आदमी भी खड़ सकते हैं, और नहीं तो एक भी फिटिंग कर सकता है। अच्छा, एक आदमी भी फीडिंग कर हाँ, सकता है इसके अंदर। अच्छा सर तो नीचे से दो आदमी पकड़ाते जाएंगे। ठीक है जी। जी, बाकी ये सेल्फीड है, इधर से अनाज डालने का है हाँ जी, हाँ जी, फसल, हाँ जी, और ये थ्रेशिंग करेगा, जी, इसमें लगे हुए हैं भूसा के, उधर भूसा निकल जाएगा और अच्छा सर, अनाज इधर आ जाएगा, अच्छा, इसमें, अनाज इधर हाँ से निकलेगा, जी, अच्छा अनाज इधर से निकलेगा। सर, ठीक है जी। जी ये टुकड़ा से आएगा प्रणाली जी से। ठीक अच्छा है जी। जी सर, और इधर से भूसा निकल जाएगा, ये फैन भी भूसा का है। ठीक अच्छा, है जी। ये भूसे का फैन हाँ, है, ये भी भूसा का है। अच्छा जी ठीक है जी। जी इसमें जो कचरा गांठ वगैरह होती है, या कोई थोड़ा बहुत एक दो हाँ दाना वगैरह जो होते हैं हमें तो ये बैग यहाँ पे भर वो जाता बैग होगा। में बैग लगा देते हैं, बैग में गांठ वगैरह, वो जो कोई दाना उसके साथ उठेगा वो बैग में भर जाएगा। जी सर, जी सर, ठीक है तो जी। वो फिर बाद में जो बैग भर जाता है तो हाँ, उसको वापस उसको उसमें उतार डाल देते के हैं या सेल्फ अपन फीड डाल में। के अच्छा, साफ कर सकते हैं, उसमें दोबारा रिसाइकिल हाँ हो जाता है वो। रिसाइकल हो जाता है। ये फिरकी दिया हुआ है, अच्छा, ये फिरकी का क्या काम है ये सर? क्या है कि जैसे कि हल्का फुल्का गीला माल रहता है जी तो उसको फुला के फैन को दे देता है, वो उड़ जाता है। अच्छा, तो ये गीले में भी चल जाता है सर, गीले में भी हल्का गीला चल मतलब जाता थोड़ी है, नमी होती है जिस फसल में वो जो चल जाती है हल्की सी इसमें? नमी चल जाती है। इसमें ब्लेड भी दिए हुए हैं, 8 ब्लेड हैं, 8 ब्लेड भी दिए हुए हाँ हैं, कंघी टाइप है। हाँ कंघी टाइप के। जी। तो अच्छा सर, ये इसमें ज़्यादा वही, नमी वाला है तो किसान खुद भी ब्लेड और बढ़ा सकता है। इसको कितने व्हील वाली मशीन बोलते ये हैं? डबल व्हील बम्पर मॉडल और ट्रिपल फैन की है, और स्पीड, सेल्फीड, सेल्फ फीड, कितनी स्पीड बोलते हैं इसको वैसे? डबल, सिंगल स्पीड ही बोलते हैं। सिंगल स्पीड हाँ, बोलते हैं। डबल स्पीड में भी है हमारे पास और अच्छा सिंगल में भी है। अच्छा वो दोनों में आप दे हाँ, सकते दोनों हैं, में दे कि जो सकते ग्राहक की हैं, डिमांड है, अगर जो डबल ग्राहक स्पीड की चाहिए तो डिमांड डबल रहेगी दे वो देते हैं, डबल वरना दे सिंगल देते स्पीड में ही आप देते हैं। और हैं। ये ज़्यादा सिंगल मॉडल सिंगल स्पीड में ही चलता है, में चलता है और डबल में, दोनों में चलता है। दोनों में हाँ चलता जी। है। अच्छा सर, और इसको कितना HP के मतलब जो अपन ने बता दिया कि भी 10 HP की मोटर पे और दस ये एच पी चलेगा, मोटर चलेगी ठीक है, और 10 HP इंजन, ठीक है, और आउटपुट के बारे में थोड़ा सा आउटपुट बताएंगे का सर? जो है इसका सोयाबीन का आएगा 5 क्विंटल। ठीक है एक जी। घंटे में 5 क्विंटल साढ़े सोयाबीन? चार से 5 क्विंटल सोयाबीन आएगा, 6 क्विंटल चना आएगा, 6.5 क्विंटल। अच्छा सर, ठीक है। ज्वारी का आएगा इसका 10 तक का जाता है। हाँ, ज्वार 10 क्विंटल, बहुत ज़्यादा बाजरा आता का, है। बाजरा वगैरह, वो ज्वार का वो फूल रहता है ना ऊपर से काटा हाँ जी, हाँ जी, हुआ, तो उसका ज़्यादा आता है, जिसको चेरी बोलते हैं अपन, अच्छा महाराष्ट्र वगैरह में ज्वार बोल देते हैं, अच्छा सर तो उसका आउटपुट ज़्यादा आता है, जी और बाजरा का 8 क्विंटल आ जाता है। जी ठीक है। और बाकी उड़द मूंग तो वो ही 4 क्विंटल आते हैं, अच्छा वो कम आते हैं कम आते हैं, जी सर, उसमें कम रहता ना। जी सर, तो ये टायर आप साथ में ये टायर देते हैं क्या? ये रबड़ के टायर देते हैं रबड़ के अपन, टायर देते हैं अपन बाकी साथ में। किसान खुद उसको बैलगाड़ी के ऊपर फिटिंग कर लेता है। अच्छा ठीक है जी।
अपना इंजन लगा लेगा, इधर मोटर लग जाएगा जी, यहाँ पे अपन स्टैंड दे देते हैं, एक मोटर का स्टैंड बना रहता है ऐसा। अच्छा, उसमें रेलिंग रहती है जी और ऐसे स्पोर्ट दिया रहता है, ठीक है। हाँ जी, तो इधर 10 की पुली रहेगी जी, और मोटर को 5 की रहेगी जी। इंजन को करना वही 10 की पुली, इंजन को चल जाएगी जी, ये इंजन को 5 इंच की चलेगी। अच्छा सर, थ्रेशर को वही पुली रहेगी। अच्छा सर, 10 इंच थ्रेशर को 10 की रहेगी जी सर। बाकी जो मोटी लकड़ी रहेगी पीछे आ जाएगी जी, वो इधर से नीचे गिरती रहेगी। अच्छा, मोटे लकड़ वगैरह जो भी है, डंठल वगैरह, वो यहाँ से नीचे गिरते रहेंगे। गिरते रहेंगे, वो बाद में डाल के किसान वही रिसाइकिल कर लेगा उसको भी, अगर उसमें कोई दाने आ जाए तो। दाने भी आ जाए तो जी सर, जैसे कोई फली वगैरह गीला माल कर रहता तो उसमें आ जाता, बाद में रिसाइकिल कर लेते। अच्छा सर, ठीक है जी सर, ठीक है सरदार जी, आपने इस मशीन के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।